मालवा मनोरोग हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर आयुष शर्मा मानवता की भलाई की एक बहुत अच्छी मिसाल है, जिन्होंने कोविड 19 के प्रकोप के कारण दिमागी रूप से बीमार हुए कितने गरीब लोगों को फ्री में इलाज करके इंसानियत की बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। और केंद्र सरकार के विरुद्ध किसानों के संघर्ष के दौरान भी ज़रूरतमंद किसानों का फ्री में इलाज किया और उनको दवाइयाँ भी बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाई। मालवा मानरोग हॉस्पिटल संगरूर के एमडी डॉक्टर आयुष शर्मा ने समाचार इंडिया न्यूज़ की टीम से विशेष बातचीत के दौरान सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन त्यौहार की बधाई दी और उन्होंने कहा कि हमारे मालवा मानरोग हॉस्पिटल में आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों का फ्री में इलाज करता आया हूँ और ये आगे भी जारी रहेगा। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसान हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, वो उनकी सहायता के लिए सदैव भी तत्पर रहते हैं ताकि कोई गरीब व्यक्ति अपने इलाज से वंचित न रहे। बातचीत के दौरान डॉक्टर आयुष शर्मा ने कहा कि हमें अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए, एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और मास्क का प्रयोग करना चाहिए ताकि कोविड 19 जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। जिला संगरूर पंजाब से अश्वनी भल्ला की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ पंजाब। नमस्कार, मैं डॉक्टर आयुष शर्मा, सेकेट्रिस्ट, मालवा मनोरोग हॉस्पिटल, टूरी रोड, संगरूर। सारे देशवासियों अपने ते अपने पूरे स्टाफ वालों शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना हाँ। करोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए मेरे सारे देशवासियों अपील है कि वह सारे रूल ते रेगुलेशन चंगी तरह फॉलो करन, सोशल डिस्टेंस बना के रखन, अपने हाथ नू बार बार सैनिटाइज करन, मास्क की वरतों करन, ते पुलिस दी पूरी तरह सहायता करेंगे। मालवा मनोरोग हॉस्पिटल टूरी रोड संगरूर सारे दी मानसिक सहायता दे ली हर वेले हाजिर है। किसी नू भी कोई भी मानसिक तनाव या कोई भी नशे की तकलीफ है तो वह साढ़े नू किसी वेले भी संपर्क कर सकता है। असी उन्हां दी सेवा विच 24 घंटे हाजिर हाँ। जरूरतमंदा दा इत्थे फ्री इलाज भी किया जाता है। ये है डॉक्टर आयुष शर्मा, सेक्रेटरी, मालवा मनोरोग के एमडी, जिन्होंने कोरोना काल के समय भी लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता करके मास्क और सैनिटाइज डोनेट करके इन्होंने बार बार लोगों की मदद की है और इंसानियत की मिसाल पेश की है। इस बार भी उन्होंने देखी कितनी अच्छी बातें की हैं कि शिवरात्रि के मौके पे आप अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और बार बार अपने हाथों को धोएं ताकि कोरोना की इस बीमारी से हम बच सकें। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कोरोना काल के समय और किसानों के संघर्ष के समय आपने किसानों का फ्री इलाज किया है, इसके बारे में हमें कुछ विस्तार से बताएं। किसानों के संघर्ष के समय और कोरोना काल के समय कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ओपीडी की फीस या दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकता या जो भी इस संघर्ष में शामिल रहा है, हमने उनके और उनके परिवार वालों की काफ़ी सहायता की है। उनका फ्री में इलाज किया गया है और ज़रूरतमंदों को फ्री दवाई के सैंपल भी दिए गए। जी डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपने दवाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, इलाज तो आपकी तरफ से फ्री था और आपने अपनी तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से दवाई भी फ्री दी है। जी, हमने ज़रूरतमंदों को फ्री में दवाई भी दी है और जहाँ पे किसानों का संघर्ष चल रहा है वहाँ पे भी हमने दवाइयों की डोनेशन की है, तो जो वहाँ पे भी एक ज़रूरतमंद ज़रूरी दवाइयाँ पा सके। जी हैं डॉक्टर जी शर्मा, समाचार इंडिया न्यूज़ की तरफ से, मैं अशोक वाला आपका दोस्त होस्ट।